मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में विकास खंड बेरघाट के ग्राम पंचायत कटिया में परफॉर्मेंस ग्रांट चौपाल का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने बताया कि बेलघाट के कटिया गांव में हमारे द्वारा चौपाल लगाया गया था, जिसमें सारे जिला स्तरीय कर्मचारी पहुंचे। यह गाँव एक परफॉर्मेंस ग्रांट का गाँव है। चौपाल में परफॉर्मेंस ग्रांट के सारे DPR के बारे में पढ़कर सुनाया गया और जो कार्य हो चुके हैं उनके बारे में बताया गया तथा सारे ग्रामवासियों से अपील किया गया कि कार्य की गुणवत्ता की स्वयं नज़र रखें, अगर किसी प्रकार की शिकायत होती है तो सीधे विकास भवन में कंप्लेन करें तथा इसके साथ साथ सारे विभागों अपने अपने योजनाओं को पढ़कर बताया कि किस तरह से योजना का लाभ लिया जा सकता है तथा राशन को लेकर 6 लोगों ने कंप्लेन की, उनका निस्तारण किया गया। उन्होंने बताया कि ज़्यादा मामला राशन कार्ड में नाम जोड़ने को लेकर और आंगनवाड़ी द्वारा बच्चों को राशन वितरण है उसको लेकर मामले आए, जिसमें मौके पर ही निस्तारण किया गया। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा, लिया गया है ग्राम पंचायत कटिया में पूर्व माध्यमिक विद्यालय में बालक बालिका शौचालय का निर्माण कार्य। ग्राम पंचायत कटिया के प्राथमिक विद्यालय का कार्यकाल 5 मार्च डबल हो गया था सर, इसको कैंसिल करा दिया गया है। ग्राम पंचायत कटिया में यादव टोला कोर्मी टोला में विभिन्न जगह स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य काम हो चुके हैं सर। ग्राम पंचायत कटिया में हाइजन बताइए ग्राम पंचायत कटिया में मेन रोड पर विभिन्न जगह स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य ये सर हो गया है। ग्राम पंचायत कटिया में प्राथमिक विद्यालय में हाई मार्क लाइट लगाने का कार्य सर ये भी लग गया है। हाँ, आज ब्लॉक बेलघाट के कटिया गांव में हमारी चौपाल थी, उसमें सारे जिला स्तरीय कर्मचारी वहां पहुंचे और ये परफॉर्मेंस ग्रांट का एक गांव है, इसमें परफॉर्मेंस ग्रांट का सारा DPR पढ़ के सुनाया गया और जो कार्य हो गए हैं उनके बारे में बताया गया और ग्रामवासियों से अपील की गई कि कार्यों की गुणवत्ता की स्वयं नज़र रखें, सारे कर्मचारियों के नंबर शेयर किए गए, अगर कोई कंप्लेंट है तो डायरेक्ट उस पर कॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ सारे विभागों ने अपनी योजनाओं को पढ़ के बताया, उसके जो किस तरह से उसका लाभ लिया जा सकता है उसके बारे में बताया। राशन को लेके 6 लोगों ने कंप्लेंट की थी, उनका निस्तारण किया गया और जो EKYC हो रहा है हमारे इसमें पेंशन में और PM किसान निधि में उसके बारे में भी लोगों को जागरूक किया गया और जल्दी से जल्दी उसको करवाने के लिए प्रेरित किया गया। जो ज़्यादातर प्रॉब्लम आई है हमारी आंगनवाड़ी का कि जो राशन का डिस्ट्रीब्यूशन उसको लेके और जो राशन में नाम जुड़ने को लेके, जिसको वहीं पे निस्तारण किया गया। आंगनवाड़ी का राशन डिस्ट्रीब्यूशन कल शाम तक हो जाएगा जो बच्चों के लिए होता है, तो उसमें एक कूपन को लेकर समस्या थी वो हल कर दी गई।